सरकारी बैंकों को मर्ज करने की नीतियों के विरोध में ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन सर्कल द्वारा बीते दिन एक आयोजन इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में किया गया, जिसमें सर्कल व जोन की समस्याओं व केंद्र की नीतियों के विरोध में भी चर्चा की गई। आयोजन में उपस्थित पदाधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के द्वारा बैंकों के विलीकरण करके उन्हें निजीकरण की ओर धकेला जा रहा है, जो कि अच्छी नीति नहीं है। इस नीति के विरुद्ध में बैंक कर्मचारी ऑफिसर लेवल से लगाकर निचले तबके तक के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर वह समय समय पर हड़ताल भी कर रहे हैं। बैंकों की हड़ताल को लेकर संगठन द्वारा नोटिस सरकार को दे दिया गया है और विभिन्न तरीके से अलग अलग माह में बैंकों के संगठनों की हड़ताल जारी रहेगी। वहीं सरकार की नीतियों के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। आयोजन की शुरुआत में जहां विभिन्न शहरों की ब्रांचों से आए पदाधिकारियों का स्वागत हुआ और भाषणबाजी हुई, वहीं आयोजन में बड़ी संख्या में बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया और सरकार की बैंकों की विलीकरण की नीतियों का पुरजोर विरोध करने में एक स्वर मिलाया। ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन का ये इंदौर सर्कल का त्रैवार्षिक कॉन्फ्रेंस है। आज यहाँ जो सर्कल के संबंधित इश्यूज है, एमपी जोन के संबंधित इश्यूज है, उस पर तो चर्चा होगी होगी, बट मुख्यतः ये जो आज देश का स्थिति है, इकोनॉमिक परिस्थिति है और जो गवर्नमेंट पॉलिसी अपना रहे हैं, स्पेशली पब्लिक सेक्टर के खिलाफ जो ये एक के बाद एक प्राइवेटाइज करने जा रहा है, नवरत्न कंपनी जैसा कंपनीज को ये प्राइवेटाइज कर रहा है, बैंकों का मर्जर करके अगला एम है कि ये प्राइवेटाइज करे, तो ये सब क्या हम विरोध में हैं। हम ये नहीं चाहते हैं कि जो देश का आप घर का सोना बेच के सिल्वर बेच के नहीं क्या करना चाहते हो, विरोध हम स्ट्राइक कॉल ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो इसमें आज जो इकोनॉमिक परिस्थिति है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसको भटकने के लिए बहुत सारे और इशू चल रहा है जिसके ऊपर पूरा देश आज एजिटेट कर रहे हैं। हम लोग एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जिसका पिछले 50 साल में जो इसका कंट्रीब्यूशन है, उसको माना जाए और उसको और मजबूत किया जाए, ना कि ये हर इंस्टीट्यूट को प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दिया जाए। आज देश में अगर बैंकों में कोई प्रॉब्लम है तो वो है एनपीए, और एनपीए का मुख्य एनपीए किसने बनाया है, 65-70% जो एनपीए है वो कॉरपोरेट का है। और आप देखिए, अनिल अंबानी का रिलायंस कम्युनिकेशन वो खुद एनसीएलटी में ले गया है उसको इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने के लिए, तो ये एक कंपनी को वहाँ ले जाए दूसरा कंपनी को और गवर्नमेंट सपोर्ट दे, ये तो नहीं हो सकता। तो देश में अब कृषि में अगर आपने 1-2 लाख रुपये का छूट कर दिया तो टेलीविज़न में देखिए कितना बड़ा चर्चा होता है, लेकिन जो एनपीए के ऊपर हेयर कट हो रहा है, जो 30,000 करोड़ बैंक से लिया और 8,000 करोड़ में सौदा हो रहा है, उसके ऊपर जो नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है। तो ये हम फोकस में लाना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की नीतियों का जो आर्थिक नीतियाँ है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आज गवर्नमेंट का दिया हुआ हर प्रोग्राम को बैंकर्स ने ही चलाया और वो मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक ने चलाया है, जनधन करी कही है, डिमोनेटाइजेशन कही है, जितना भी स्टेप्स क्या होंगी सरकार, तो अब हम उसके बीच में हमारा वेज रिविजन ड्यू है। 1 नवंबर 2017 से हमारे वेज रिविजन ड्यू है, ये 2 साल बीत गया, उसमें गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट में जो सुविधाएँ हैं और गवर्नमेंट और बैंकर का एक जैसा सैलरी हुआ करता था एक टाइम पे, आज हमारे से 2.5 गुना गवर्नमेंट का ऑफिसर्स का सैलरी है। तो इसके बावजूद जब हम एक रिस्क में काम करते हैं, ऑल इंडिया ट्रांसफर है, तो एनपीए के कारण दिखा के हमारे सैलरी को रोक करना सही नहीं है। तो हमने अभी जो 2 दिन का स्ट्राइक कॉल दिया है ऑल बैंक्स मिलकर, 21 जनवरी और 1 फरवरी, उसके बाद मार्च में 3 दिन का स्ट्राइक कॉल ऑलरेडी नोटिस दे चुका है और 1 अप्रैल से इंडिफरेंट स्ट्राइक कर रहे हैं। मैं दिलीप शाह, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक।